हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस की लास्ट क्लास है। दो क्लास पहले हो चुकी हैं जिसमें मैंने अगस्त माह तक के डे कंप्लीट कराए हैं। जिसको भी इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पर सभी की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सितम्बर से दिसंबर तक का है, सितंबर से दिसंबर माह तक का दिया है और आप सभी को हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर माह, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक से याद करेंगे। पांच शिक्षक ने 8 लोगों को साक्षर बनाया, 14 लोगों को हिंदी सिखाई, 16 को जॉन घुमाया, 21 लोगों को शांति दी, 27 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया। 27 लोगों को विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन घुमाने ले गए, ठीक है। तो 5 शिक्षक थे, तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 लोगों को साक्षर बनाया, तो इन 5 लोगों ने 8 लोगों को साक्षर बनाया। तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 लोगों को हिंदी सिखाई, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 लोगों को जॉन घुमाया, तो 16 सितंबर जॉन परत संरक्षण दिवस, 21 को शांति दी, तो 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 27 लोगों को पर्यटन घुमाया, तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। ये हमारा सितंबर माह कंप्लीट हुआ। अक्टूबर का देखिए, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर विश्व पर्यावास दिवस, 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। देखिए इसकी क्या ट्रिक है। 2 लोग अहिंसा से बहुत परेशान थे, 2 लोग अहिंसा से बहुत परेशान थे, इसलिए 3 लोगों के साथ पर्यावास चले गए, 3 लोगों के साथ पर्यावास चले गए, पर्यावास या पर्यावरण घूमने चले गए। 8 लोगों ने क्या किया, वायुसेना ज्वाइन कर ली। 15 विश्वविद्यार्थियों को लेकर 20 लोगों ने सांख्यिकी दिवस मनाया, विश्व के 15 विद्यार्थियों को इकट्ठा किया 20 लोगों ने और सांख्यिकी दिवस मनाया। 24 बच्चों को पोलियो पिलाया, 31 को सबने मिलके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर 3 लोग कहाँ गए थे पर्यावास, तो 3 अक्टूबर विश्व पर्यावास दिवस, 8 लोग ने क्या किया, वायुसेना ज्वाइन की, 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 15 विद्यार्थी और 20 सांख्यिकी, तो 15 विद्यार्थी ने विश्व विद्यार्थी दिवस 15 लोगों को लेकर विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया 20 लोगों ने, तो 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 बच्चों को क्या किया, पोलियो पिलाया, तो 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, फिर लास्ट में क्या किया, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, तो 31 लोगों ने मिलकर राष्ट्र में एकता दिवस मनाया। ओके, ये अक्टूबर माह कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए नवंबर माह के देखते हैं। 5 नवंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस,
19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस। ओके, देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। 5 बार आयुर्वेद दवा पीकर, 5 बार आयुर्वेद दवा पीकर 11 शिक्षक ने 14 बालक को बताया 19 को शौचालय दिवस है। 14 बालकों को बताया 19 को शौचालय दिवस है, 21 को मत्स्य दिवस मनाकर 26 तारीख को संविधान दिवस, संविधान की स्थापना, ठीक है, संविधान की स्थापना। तो देखिए कैसे, देखना, 5 बार आयुर्वेदिक दवा की दवाई पीकर या दवा लेकर, तो 5 नवंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 11 शिक्षक ने तो 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 14 बालिकाओं को बताया तो 14 नवंबर राष्ट्रीय बालिका दिवस, 19 तारीख को क्या करना है, शौचालय दिवस मनाना है तो 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 21 को विश्व मत्स्य दिवस, 26 को मिलके संविधान का निर्माण करना है तो 26 नवंबर संविधान निर्माण दिवस। अब आपको ये 14 नवंबर दिया गया है, 14 नवंबर को दिया है राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो आपको बताना है, सॉरी, 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस दिया हुआ है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है बालिका दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट में पड़ता है, तो बालिका दिवस आपको बताना है। दिसंबर माह के देखिए, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्या है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ओके, इसे कैसे याद करेंगे देखते हैं। 1 दिसंबर, तो एक व्यक्ति को बहुत एक एड्स की बीमारी थी, एक व्यक्ति एड्स की बीमारी से पीड़ित था, तो 1 दिसंबर विश्व एड दिवस। 2 लोगों ने दास्ता दिखाई तो 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 10 लोगों ने क्या किया, मानवाधिकार के बारे में बताया, 10 लोगों ने मानवाधिकार के बारे में बताया, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 18 को क्या हुआ, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये मनाया जाता है किसकी जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ये राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को कमेंट्स में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दिया हुआ है, कमेंट्स में आपको विश्व उपभोक्ता दिवस लिखना है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट्स में लिखना है। इस तरह से ये हमारी जो क्लास चल रही थी ये कंप्लीट हुई थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की क्लास ये कंप्लीट हुई, ये इसकी लास्ट क्लास थी। थैंक यू।